नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निंग पर आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज जो है केवल दक्षिण दिशा की तीन बातें आपको जीवन में कामयाब बना सकता है, अर्थात उसके लिए जिनका मकान दक्षिण मुखी मकान है या दक्षिण मुखी बनाना चाहते हैं और कामयाबी भी चाहते हैं। क्योंकि एक भय सा है लोगों के दिमाग में, जो भ्रम फैला हुआ है कि दक्षिण मुखी मकान किसी को नहीं फलता है, वह बर्बाद हो जाता है, उसके जीवन में समस्या कष्ट सब आते रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल तीन बातें आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इसे अगर दक्षिण दिशा के मकान में बनाते हैं, करते हैं, सावधानी रखते हैं, तो आपको जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। यह तीन बातें जो तीन एनर्जी को डेवलप करेगी, जो आपके अंदर यह भ्रम जो फैला हुआ है उसे वह मिथ्या कर देगी, तोड़ देगी। यह तीन बातें क्या है इस चीज को देखें। सबसे पहली बात कि आपका दक्षिण दिशा या किसी दिशा का मकान तभी फलीभूत होगा जब आप वास्तु से बनाते हैं और उसका प्रवेश द्वार आप सही पद में रखते हैं। तो दक्षिण दिशा के प्रवेश द्वार आपको सही पद में रखना है। तो सही पद में रखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। दूसरी बात है कि उत्तर और पूर्व के क्षेत्र को खुला रखें। जितना आप खुला रखेंगे और इसके साथ आप अग्निकोण के क्षेत्र में कोई दोष उत्पन्न नहीं होने देंगे, स्वच्छ सुंदर रखेंगे और वहां पर अग्नि तत्व को प्रज्वलित रखेंगे, अर्थात वहां पर अग्नि तत्व को कभी भी जो है सो बुझने नहीं दें, अर्थात वहां किचन रख सकते हैं या एक लाल रंग का बल्ब जला करके रख सकते हैं। तो ये क्या है कि धन की जो देवी लक्ष्मी है वह आपके जीवन में कभी कमी नहीं होने देगी धन को। तो ये दो बातें जो है सो इसे समझना आवश्यक है। तीसरी बातें क्या है इस चीज को समझें। वास्तु के अनुरूप तो आप बना लिए, लेकिन ब्रह्म स्थान को आप दूषित कर देते हैं। ब्रह्म स्थान जैसे किसी भी मनुष्य के शरीर का नाभि जो कि मां के साथ जुड़ा रहता है गर्भ में, और आपको 9 महीने तक खाना उसी नाभि से मिलते रहता है, अर्थात नाभि का इतना महत्व है कि आप समझ नहीं सकते हैं। रावण को मारते मारते राम जी थक गए लेकिन नहीं मरा, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, अर्थात नाभि में अमृत होता है। तो ये नाभि को डिस्टर्ब नहीं करे, नाभि को अर्थात ब्रह्म स्थान को जो कि आपके घर में बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप खुला रखते हैं। पहले के समय में आप देखते थे कि चारों तरफ से मकान रहता था और ब्रह्म स्थान अर्थात बीच में आंगन में तुलसी लगा होता था। तो ये ब्रह्म स्थान को दूषित नहीं करना है, इसे खुला रखना है, ओपन रखना है। अगर ओपन रखते हैं दक्षिण मुखी मकान में, तो आप नियमित निश्चित जाने कि आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, धन लक्ष्मी आपके जीवन में हर हमेशा लगातार बनी रहेगी, आर्थिक तंगी कभी नहीं आएगा, लोग बीमार नहीं होंगे, क्योंकि वहां से ही पूरे घर में जो है एनर्जी डेवलप होता है। और वहां पे कम से कम 2 घंटा दिन में भले ही एक गमला में जो है सो तुलसी लगा करके रखें। यह तीन बातें जो है दक्षिण मुखी मकान के लिए ब्रह्म अस्त्र के समान है। कभी भी आप कुछ समझें कि दक्षिण मुखी मकान में दिक्कत नहीं होने देगा। तो ये तीन बातें जो आपके इस वीडियो में हम बता रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण मुखी मकान के लिए और अन्य मुखी मकान के लिए भी, क्योंकि सभी दिशा के सभी मुखी मकान में यह चीज लागू होता है। तो प्यारे दोस्तों, भले ही आपका कहीं बेडरूम है, कहीं पूजा रूम है, कुछ भी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं देगा, केवल वास्तु के नियम को फॉलो करते हैं। ये तीन चीज को जो है सो आप ध्यान रखते हैं। क्या तीन चीज? उत्तर पूर्व और अग्निकोण के बारे में जो बताया वह आप सावधानी से जैसे बताया उसे करें। उसके बाद जो प्रवेश द्वार है उसको निश्चित पद में रखें। और तीसरी बात है कि ब्रह्म स्थान को व्यवस्थित रखें, खुला रखें, किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होने दें, जैसे सीढ़ी,
टॉयलेट, किचन या किसी प्रकार का जो है बहुत बड़ा खंभा, ये चीज नहीं होने दें। और कम से कम 2 घंटा उस स्थान पर तुलसी का गमला जरूर रखें, तो आपके घर में धन की वर्षा होगी और स्वस्थ रहेंगे, धन संचय होगा, कई फैक्ट्रियों के मालिक हो सकते हैं। विश्वास के साथ करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, और कुतर्क के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ये बात समझ लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।